हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैब। तो आपका स्टार्ट होने वाला है सेशन आईबीपीएस क्लर्क प्री के लिए, बिकॉज आप देखते हैं आईबीपीएस पीओ मेंस जो है वो खत्म होने वाला है। तब आपका नेक्स्ट एग्जाम है और इस साल का जो लास्ट एग्जाम है वो है आईबीपीएस क्लर्क प्री। तो इसकी प्रिपरेशन जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और अब डेली आपकी मॉर्निंग में इसी टाइम पर वीडियो जो है वो आया करेगी। अगर कभी भी नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, नोटिफिकेशन की कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि इस टाइम जो है 11 से 12 के बीच में जो रीजनिंग की क्लास है वो जरूर 101% जो है वो आपके पास आएगी। ओके, तो आप डेली ही चैनल को जाके जरूर विजिट करें। इसी के संग मैं बताना चाहूंगी कि आज का जो सेशन है उसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि है आपका ब्लड रिलेशन पे बेस्ड। काफ़ी लोगों को जो ब्लड रिलेशन पर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, तो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगी और कोशिश करूंगी कि जो ब्लड रिलेशन पर बेस्ड आपका सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसके 2-3 क्वेश्चंस को मैं और यहाँ पे कवर करूँ। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे एंड ये जो सारे ही क्वेश्चंस हैं ये ऑनलाइन तैयारी .com से मैंने लिए हैं। सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल काफ़ी अच्छा होने वाला है। और इसी के संग आप एक काम और करिए, यहाँ पे जो आपका एक फ्री मॉक गिवन है ऑनलाइन तैयारी के लिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, उसकी हेल्प से आप लोग जो इनका फ्री मॉक है उसको जरूर अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आप जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट को देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका इंग्लिश में गिवन है और नीचे आपका जो क्वेश्चन है वो हिंदी लैंग्वेज में गिवन है। सो आप जो भी लैंग्वेज प्रीफर करते हैं उस लैंग्वेज में क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिए। देखो, मैं हमेशा से बोलती हूँ अटेम्प्ट जो है वो जरूर करो। क्या होगा, या तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा या फिर नहीं होगा या फिर हो जाएगा, इन तीनों में से एक ही चीज होगी और तीनों ही आपके लिए फायदेमंद है। नहीं होगा तो आप कोशिश करोगे, जो पूरा सॉल्यूशन है उसको अच्छे से देखोगे और फिर दोबारा क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे। हो जाएगा तो टाइम लगेगा, तब तो आपको एक जब सॉल्यूशन देखोगे तो एक नई अप्रोच मिलेगी और बिल्कुल सही समय में हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, तो तीनों ही जो चीज है वो आपके लिए फायदे वाली हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, कभी भी कोई नया पजल जो होता है अगर आप उसे सॉल्व करते हो, ठीक है, आपसे नहीं हुआ, आपने सॉल्यूशन पूरा देखा, वीडियो का जो सॉल्यूशन होता है उसे पूरा देखा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से हुआ फिर इस तरीके से हुआ, जब आप पूरा सॉल्यूशन देख लेते हो तो उसके बाद उस क्वेश्चन को छोड़ा मत करा करो। उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके दोबारा से आप करीबन 15 मिनट के बाद फिर से उसे खुद से जरूर सॉल्व करा करो। तो इससे क्या होगा ना, आपके जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो खुद में क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये काम जो है वो जरूर करा करो। उसको खाली कोई पर्सन का आपने देख लिया कि ठीक है इसने सॉल्व कर दिया या फिर मैंने सॉल्व कर दिया, तो उसको छोड़ा मत करा करो, दोबारा उसको 10 से 15 मिनट बाद सॉल्व जरूर करा करो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पूरा क्वेश्चन लिखा है उसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गिवन है 8 फैमिली मेंबर्स एंड उनके नेम गिवन है मनु, नितिन, ओमिशा, पीयूष, कुरेशी, रितु, सीमा एंड टीना आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। देखो, यहाँ पे मैंने हमेशा से कहा है कि जब भी आपके नाम गिवन हो, तो नाम या फिर कोई भी वेरिएबल गिवन हो, तो आप उसको देखने की कोशिश करा करो कि आप उसे छोटे से छोटा कैसे पढ़ सकते हो या फिर कैसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको देख लोगे कि यहाँ पे जो आपके अल्फाबेट्स गिवन है वो सब अलग अलग हैं। मनु का एम, नितिन का एन एंड ओ पी क्यू आर एस एंड टी। ओके, तो इसी तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस ऐसे करो कि जैसे कि यहाँ पे रितु लिखा है तो उसकी जगह आप खाली आर पढ़ो, वाइफ ऑफ पीयूष लिखा है तो खाली आप पी पढ़ो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि सारे जो अल्फाबेट्स हैं वो अलग अलग हों। प्री में हमेशा आपके अलग अलग ही आते हैं ज़्यादातर, मेंस में जो होता है, मेंस जो होता है आपका उसमें ऐसा होता है कि आपके जो वेरिएबल होते हैं वो सेम दे दिए जाते हैं ताकि थोड़ा सा आपको टाइम लगे। अब देखो आगे लिखा है आर वाइफ ऑफ पी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। कहने का मतलब है रितु वाइफ जो कि पी की है थर्ड टू द लेफ्ट है किसके, ओमिशा के। तो यहां पे हम इसको लिख लेते हैं कि आर वाइफ ऑफ पी। ओके, यहां पे मैं पीयूष का पी ले रही हूं, रितु का आर ले रही हूं, राइट। एंड फीमेल के लिए सर्कल एंड यहां पे मेल के लिए मैं स्क्वायर को दिखाती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही है अगर आप काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बाद ये भी गिवन है कि इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओमिशा। इज सिटिंग इज यहाँ पे किसके लिए कहा जाता है, रितु के लिए कहा जाता है। ओके, अगर यहाँ पे हु होता तो पीयूष के लिए होता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सर्कल में बैठा देंगे। अब दूसरी बात, यहाँ पे लिखा हुआ है फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि यहाँ यहाँ पे जो पर्सन बैठे हैं वो
फेस कैसे कर रहे हैं, सेंटर से बाहर की ओर फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आर और ओ है उसको हम कैसे सेट करेंगे, आप कहीं भी आर को बैठा दीजिए, जैसे कि आपने आर को यहाँ पर बैठा ला, तो यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि ये कैसे बैठी है रितु, रितु जो है वो ओमिशा के या फिर ओ के लेफ्ट में बैठी है, थर्ड टू द लेफ्ट में। तो यानी कि सब कैसे फेस कर रहे हैं, बाहर की ओर फेस कर रहे हैं, तो ओ जो है वो कहाँ पर आएगा, ओ आएगा यहाँ पे, राइट। तभी देखो ये बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो 1, 2 एंड 3 लेफ्ट यहाँ पर आ जाएगा, राइट। फिर अगर आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन होता है, जैसे कि ध्यान नहीं रहता कि ज़्यादातर आप प्रैक्टिस कैसे करते हो, इनर फेस की करते हो, लेकिन कहीं पर आपका गिवन है कि वो आउटसाइड फेस कर रहा है और आप लोगों को ऐसी दिक्कत आती है कि लेफ्ट और राइट में आप कई बार आउटसाइड वाले डायग्राम में इनसाइड वाला फेस करके राइट और लेफ्ट ले लेते हो, तो आप क्या करा करो, जब भी अपने डायग्राम बनाओ तो यहाँ पे जो एरोज होते हैं उनको कंप्लीट इस तरीके से बना दिया करो। तो जब भी आप किसी चीज़ को फिक्स करोगे, किसी भी वेरिएबल को फिक्स करोगे, तो आपको खुद से याद आ जाएगा कि ये जो है बाहर की ओर फेस कर रहे हैं, तो आप राइट और लेफ्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। अब फिर गिवन है एम इज सन ऑफ टी, मनु जो है वो सन है टी का, तो उसको हम लिख लेते हैं एम इज सन ऑफ टी। देन एम इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, तो M जो है वो सेकेंड टू द राइट है P के, तो इसको हम अभी लिख लेते हैं P के सेकेंड टू द राइट में M इस तरीके से आएगा। दूसरी बात, अभी आप देखोगे तो P जो है वो कई जगह आ सकता है, उसी प्रकार से आपका M जो है वो भी कई जगह आ सकता है। अगर P यहाँ पे तो M यहाँ आ सकता है, P यहाँ पे तो M यहाँ पर, P यहाँ पे तो M यहाँ पर, ओके। अभी 2-3 पॉसिबिलिटी है, तो अभी हम इसे स्किप करेंगे और आगे देखते हैं। फिर गिवन है पीयूष इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ निदर आर नॉर ओ, तो यहाँ पे जो पी है या फिर पीयूष जो है वो ना ही ऋतु का और ना ही ओमिशा का इमीडिएट नेबर होगा। तो यहाँ पे देखो जो पी है वो कहाँ कहाँ नहीं आएगा, आर के पास नहीं आएगा, यानी कि इस जगह पे नहीं आएगा, इस जगह पे नहीं आएगा, ओ के पास नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। अब या तो पी यहाँ पर आएगा इस जगह पे, या फिर पी कहाँ आएगा, इस जगह पे। देखो अगर मान लो P यहाँ पर आता है, तो इसके सेकेंड टू द राइट में कौन आना चाहिए, M आना चाहिए। तो 1 एंड 2 M यहाँ आना चाहिए, बट M यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पे R फिक्स है। इसका मतलब जो P है वो कहाँ पर आएगा, आपका P आएगा यहाँ पर, और M जो है वो कहाँ आएगा, M आएगा यहाँ पे, ओके, राइट। यही दो कंडीशन थी P और R की, जिसमें से एक यहाँ पे कट जाएगी और एक यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। उसके बाद गिवन है नो मेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, कोई भी मेल जो है वो पी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, तो यानी कि यहाँ पर जो है वो कौन आएगी, फीमेल आएगी, और यहाँ पर भी कोई एक फीमेल आएगी, राइट। देन आगे गिवन है एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी सन, तो एस जो है वो सेकेंड टू द राइट है पी सन, तो एक तो ये पता चल गया कि पी का यहाँ पे सन आएगा, ओके, और एस जो है वो किसके सेकेंड टू द राइट में है, पी के सन के, ओके। अभी पी का सन कौन है हमें नहीं पता है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। उसके बाद ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन टीना एंड मनुज ब्रदर, तो यहाँ पे टीना और जो एम का ब्रदर है उसके बीच में कितने का गैप आएगा, 2 पर्सन का गैप आएगा। यहाँ पे हम टीना और एम के ब्रदर में 2 का गैप दिखाएंगे, और इसी के संग हम यहाँ पे जो हम डायग्राम भी बना के चल रहे हैं, अपना जो फैमिली ट्री बना रहे हैं, उसमें भी एम का यहाँ पे जो ब्रदर है उसके लिए एक स्पेस बना देंगे। फिर गिवन है निदर ओ नॉर पी इज ब्रदर ऑफ मनु, तो जो ओ और पी है वो ब्रदर नहीं है किसके, एम के, यानी कि यहाँ पे पी और ओ जो है वो नहीं आएगा। देन पीयूष सन एंड द वाइफ ऑफ पीयूष सन आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, तो जो पीयूष का सन है एंड जो पीयूष के सन की जो वाइफ है वो एक दूसरे के क्या है, इमीडिएट नेबर होंगे। तो हम यहाँ पे जो हमने जो फैमिली ट्री बनाया है उसमें जब हम पीयूष का जो सन है उसकी जो वाइफ दिखाएंगे, तो यहीं पर हम एक दोनों का मार्क करके और राइट का टिक लगा देंगे, जिससे हमें पता चले कि ये दोनों एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं। अदरवाइज हम ये लिखेंगे कि पी सन एंड वाइफ ऑफ पी सन इमीडिएट नेबर, तो हमें काफ़ी इसमें टाइम भी जाएगा, टाइम मतलब करीबन 6 से 7 सेकेंड भी जाएंगे, और उस पॉइंट को बढ़ाने से कोई फायदा भी नहीं है, समझने के लिए हमारा इतना ही हिंट जो है वो काफी यहाँ पे होगी। फिर गिवन है आर इज मदर ऑफ टी, तो आर जो है वो मदर है टी की, तो यहाँ पे ये देखो ये टी है ना, तो टी की मदर जो है वो यहाँ पे आर होंगी। अब देखो टी जो है उसके बारे में पता नहीं है कि ही इज अ मेल और शी इज अ फीमेल, तो हम यहाँ पे ये दिखा नहीं सकते हैं कि टी जो है वो यहाँ पे आर का सन होगा, मे बी इसकी डॉटर हो, या फिर हो सकता है सन ही हो लेकिन जो ये वाला सन है यानी कि जिसकी वाइफ है वो वाला ना हो, तो पॉसिबिलिटी है ना, हम एकदम तो टी को बैठा नहीं सकते यहाँ पे, तो अभी हम इसे क्या करेंगे, स्किप करेंगे। देन आगे गिवन है इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ निदर नितिन नॉर सीमा, तो यहाँ पे कह रहे हैं आर जो कि मदर है टीना की वो इमीडिएट नेबर नहीं है एन और एस की, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि R जो है वो N और S की इमीडिएट नेबर यहां पे नहीं होगी। फिर गिवन है सीमा इज द सिस्टर ऑफ Q, तो S जो है वो क्या है, सिस्टर है किसकी, Q की, राइट।
अब हम इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखो कितने स्पेस है, 1, 2, 3, 4, ओके। एंड यहाँ पे देखो अगर मैं टी को यहाँ लिखती हूँ, अलग लिखती हूँ, और फिर यहाँ पे एम और एक बॉक्स और बनकर आएगा, तो यहाँ पे कितने लोग हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 लोग हो रहे हैं, जबकि हमको कितने चाहिए, 8 लोग चाहिए। तो ये कंडीशन ही बन सकती है। और अगर मैं टी को यहाँ फिक्स करती हूँ तब भी आप देखेंगे यहाँ पे आपके 6 जो बॉक्स हैं वो कंप्लीट होंगे, 2 जो है वो फिर भी बच जाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो टी की कंडीशन है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, या फिर उसमें पॉसिबिलिटी बनकर आ रही है। तो हम देखते हैं कि टी को हम कैसे यहाँ पे रख सकते हैं। इसको रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट गिवन है इसकी हेल्प लेंगे। ओके, हमेशा से मैं कहती हूँ कि जो ट्री होता है फैमिली ट्री आप उसे बना लो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसको भी साथ में आपको बना के चलना होता है। तो यहाँ पे वही केस जो है वो आया है। जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि टी और जो एम्स ब्रदर है, यानी कि एम का जो ब्रदर है उसके बीच में 2 का गैप आएगा। देखो आप टी को कहाँ कहाँ फिक्स कर सकते हो। अगर मान लो टी जो है वो सन है या फिर वो मेल है, ओके, आपने ये माना कि टी जो है वो मेल है, तो टी जो है वो या तो यहां पर आएगा या फिर यहां पर आएगा। सिर्फ 2 ही जगह है क्योंकि ये 2 तो फीमेल की जगह है। तो अगर टी यहां पर आता है तो 1, 2 का गैप करके एम का जो ब्रदर है उसे यहां आना चाहिए, या फिर 1, 2 का गैप करके एम का जो ब्रदर है उसे यहां आना चाहिए, मतलब यहां पर या फिर यहां पर आना चाहिए, तभी आप 2 का गैप करके एम के ब्रदर को लिखोगे। लेकिन देखो एम का ब्रदर जो है वो यहां नहीं आ सकता क्योंकि ये दोनों जो जगह है वो कैसी है, आपकी फीमेल के लिए है। ओके, इसका मतलब टी जो है वो यहां पर नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर टी है वो यहाँ आता है तो 1 एंड 2 का गैप करके यहाँ क्या आ रहा है, आपका एम आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे एम आ रहा है तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो एम, जब एम यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पे एम का ब्रदर आ नहीं सकता, एंड 1 एंड 2 का गैप करके यहाँ पे एम का ब्रदर आना चाहिए, लेकिन ये एम का ब्रदर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप देखोगे आर जो है वो मदर है टी की। ओके, मदर है टी की और टी का सन है एम, तो टी का जब सन है एम तो ऑब्वियसली आपका जो पी है वो एम का ब्रदर तो हो ही नहीं सकता। ओके, और दूसरी बात इन्होंने मना भी करा है कि एम का ब्रदर जो है वो पी और ओ नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टी है वो मेल नहीं है, वो फीमेल है और वो पी के कहीं बराबर से आएगा, या फिर आएगी, सॉरी आएगी। ओके, अभी इसके बराबर से आएगी, तो देखो टी को कहां लिख सकते हो। अगर टी को यहां लिखते हो तो 1 एंड 2 का गैप करके एम का ब्रदर जो है वो यहां पर आ सकता है, एंड 1 एंड 2 का गैप करके एम का ब्रदर यहां पर, यानी कि ओ भी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं होगा क्योंकि यहां पे एम के ब्रदर के लिए मना करा है। तो टी यहां पर आ सकता है अगर हम एम के ब्रदर को यहां पर लिखे। दूसरी बात, अगर मैं टी को यहां लिखती हूँ तो 1 एंड 2 का गैप करके यहाँ पे एम आएगा। ओके, एंड एम जो है वो एम का ब्रदर नहीं हो सकता, लेकिन 1 एंड 2 का गैप करके जो एम का ब्रदर है वो यहां पर आएगा। इसका मतलब चाहे टी को आप यहां लिखो चाहे टी को आप यहां लिखो, एम का ब्रदर जो है वो कहां पर आएगा, एम का ब्रदर जो है वो यहां पर ही आएगा, राइट। चाहे आप टी यहां लिखो चाहे आप टी यहां लिखो, तो आप क्या करोगे, टी यहां से हटा के टी को यहां कहीं ऐसे ऊपर की तरफ लिख दोगे और ये जगह फिक्स हो गई कि यहां पे जो भी पर्सन आएगा वो कौन होगा, एम का ब्रदर होगा। ओके, इसे हटा दो ताकि पॉइंट्स जो है वो ज्यादा इकट्ठे ना हो। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे और कोई पॉइंट जिसको हम फिक्स कर सकें। तो यहाँ पे गिवन है कि एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है कि R जो है वो N और S के बगल में नहीं आएगा, या फिर R और N S जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, यानी कि जो ये वाला जगह है यहाँ पे क्या नहीं आएगा, आपका N नहीं आएगा, S नहीं आएगा। तो N और S नहीं आएगा तो यहाँ पे और कौन कौन आ सकता है, ये देखो, देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है M, N, O, P, Q, R, S, N, T, जिसमें से हम P फिक्स कर चुके हैं, O फिक्स कर चुके हैं, R फिक्स कर चुके हैं, N यहाँ पर आएगा नहीं, S यहाँ पर आएगा नहीं। ओके, कौन नहीं आएगा, N यहाँ पर आएगा नहीं, S यहाँ पर आएगा नहीं। उसके बाद M जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। ओके, मैं इसको दोबारा से बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है M, N, O, P, Q, R, S, N, T, ओके, इसमें से M जो है वो फिक्स हो चुका है, राइट। इसके बाद P फिक्स हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे R फिक्स हो चुका है, O यहाँ पे फिक्स हो चुका है, ठीक। N और S जो है वो R के इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, बचे यहाँ पे Q और T। तो यहाँ पे जो M का ब्रदर है वो कौन होगा, या तो Q होगा या फिर यहाँ पे कौन होगा, T होगा। ओके, तो अब देखो Q और T में से यहाँ पे T भी कट जाएगा क्योंकि T जो है वो फीमेल है, वो यहाँ पर या फिर यहाँ में से कहीं आएगी। तो कौन बचा यहाँ पे R के बराबर में आने के लिए, ये बची खाली यहाँ पे Q। तो यानी कि जो M का ब्रदर है वो कौन होगा, Q होगा। तो M का ब्रदर यहाँ पे Q होगा, तो हम इसे यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। देखो यहाँ पे टी के बारे में पता चल गया कि टी फीमेल है, तो आर के संग हम यहाँ पे दिखा देंगे कि टी जो है वो फीमेल है, उसके बाद एम उसका सन है, और एम का जो ब्रदर है वो कौन है, यहाँ पे क्यू है, राइट। अब इसको हटा दो आप। इसी के संग यहाँ पे हमें ये बताया गया है क्यू जो है वो
सॉरी एस जो है वो क्यू की सिस्टर है, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे एस जो है वो क्या है, यहाँ पे क्यू की सिस्टर है। कितने यहाँ पे आप देखोगे बॉक्सेस हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें कोई भी जो जगह है वो नहीं बढ़ानी है, सबको इसी में फिक्स करना है। तो यहाँ पर आ गया क्यू, तो अब आप क्या करोगे इसको भी हटा दोगे। उसके बाद इस वाले पॉइंट के लिए क्या दे रखा था कि जो सीवा है यानी कि एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी सन, जो पी का सन होगा उसके सेकंड टू द राइट में एस जो है वो आएगा, ओके, या फिर एस आएगी क्योंकि वो कौन है, फीमेल है। तो मान लो अगर हम एस यहां लिखते हैं तो सेकंड टू द राइट में आई किसके, पी के सन के। तो आप देखोगे इस हिसाब से जो पी का सन है वो कहां आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए, लेकिन ये जो है ये पी का सन नहीं है, ये पी की वाइफ है। अगर आप इस अपने फैमिली ट्री को या फिर अपने डायग्राम को देखोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, इसका मतलब जो एस है वो यहाँ पे नहीं आएगा। अब एस यहाँ नहीं आएगा तो एस कहाँ आ सकता है, अगर मान लो एस यहाँ पर आता है तो इस हिसाब से पी के जो सन है उसे कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, तभी सेकेंड टू द राइट में सीमा आएगी। लेकिन एस जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे जो है पी का सन नहीं आ सकता, यहाँ पे जो भी पर्सन आएगा वो कौन है, यहाँ पे फीमेल होगी, ओके। तो इस वजह से आपका जो एस है वो यहाँ पर भी, सॉरी, आपका जो एस है वो यहां पर भी नहीं आएगा, ओके। फिर एस आएगा यहां पे, और अगर एस यहां पर आता है तो जो पी का सन है वो कहां आएगा, पी का सन आएगा यहां पे, ओके। तभी यहां पे आप देखोगे इसके सेकंड टू द राइट में एस आएगा। अब यहां पे एस आ गया तो यानी कि यहां पे कौन फिक्स हो जाएगी, टी फिक्स हो जाएगी, क्योंकि टी के लिए यहां पे दो पॉसिबिलिटी बन रही थी। अब यहां पे रेस्ट जो पर्सन बचा है एन, वो यहां पर आ जाएगा, इसका मतलब जो एन है वो कौन होगा, पी का सन होगा। तो एन पी का सन होगा तो हम एन को यहां लिख देंगे और ओ को यहां लिख देंगे। दूसरी बात, हमें यह भी बताया गया था कि एन और ओ यानी कि जो पी का सन और सन उसके सन की जो वाइफ है वो दोनों इमीडिएट नेबर होंगे। तो आप देख सकते हो एन और ओ जो है वो एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है। तो ये बन के आएगा आपका डायग्राम और ये बनकर आएगा का फैमिली ट्री, ओके। इस तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करोगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहां पे देखते हैं और फिर मूव करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन पे। तो यहां पे गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टीना इज डेफिनेटली करेक्ट। टीना के रिगार्डिंग कौन सा जो आपका स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली करेक्ट है। यहाँ पे गिवन है टीना इज द फादर ऑफ एम, टी जो है वो फादर है एम के, तो नहीं, टी फादर नहीं है, टी तो यहाँ पे मदर है इसकी, ओके। तो फर्स्ट तो फॉलो नहीं होगा। देन बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ टी आर मेल्स, तो टी के जो दोनों इमीडिएट नेबर हैं वो मेल हैं क्या, तो एम भी मेल है और पी भी मेल है, ठीक है। तो यानी कि आपका फर्स्ट जो आपका सेकेंड है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ओके। बाकी आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एग्जाम में ये जरूर चेक करें, इससे क्या होता है आपको अपने डायग्राम के बारे में पता चल जाता है। देन हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एम एंड हिज ब्रदर व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एम, तो एम और उसका जो ब्रदर है ये कहाँ है, यहाँ पे क्यू, ओके। इसके बीच में कितने पर्सन आएंगे, जब हम कैसे काउंट करेंगे, एम से राइट की ओर काउंट करेंगे। सो राइट इस तरफ में चल रहा है, तो आप देखो एम और क्यू के बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं, खाली एक ही पर्सन आ रहा है, सो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे बताना है कि फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टन वे, और एक इसमें से अलग होगा, तो आपको बस उसका नाम बताना है। तो कौन कौन है यहाँ पे, आप देखोगे एन है, ओके, टी है, देन ओ, एस और आर, ओके। और इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्हें देखोगे तो एन यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, देन और कौन बचा, 1 2 3 4 आर, ओके आर। तो यहाँ पे आप देखो ये सब तो फीमेल हैं, खाली एन जो है वो मेल है, तो आपका एन ही ऑड हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देन आपको बताना है मनु जो है पीयूष से कैसे रिलेटेड है, तो मनु जो है वो यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, ये कौन हो गया, इसका ग्रैंडसन हो गया, सो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। फिर बताना है आपकी सीमा के सेकंड टू द राइट में कौन है, सो सीमा के सेकंड टू द राइट में कौन आएगा, यहाँ पे टीना, ओके। तो टीना आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये रिलेशन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, तो रिलेशन के अकॉर्डिंग आप आंसर दो एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है वो मुझे बताइए। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग इनइक्वालिटी पे। तो ये आपका स्टेटमेंट गिवन है, कंक्लूजन पर आते हैं डायरेक्ट, आर इज ग्रेटर देन पी, तो ये आर है और ये पी है, दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, क्यू कनेक्ट कर रहा है, तो आर क्यू। और पहली बात इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि R बड़ा होना चाहिए P से, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, लेकिन आप देखोगे R जो है वो छोटा है किससे, Q से, और Q जो है वो कनेक्ट कर रहा है P को। तो सीधी सी बात है, जब R का रिलेशन जहां से स्टार्ट हो रहा है, चाहे किसी से भी हो रहा है, स्टार्टिंग से ही वो छोटा दिखाया गया है, तो फिर वो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, इसलिए फर्स्ट तो फॉलो होगा ही नहीं। अब बात करते हैं S इज ग्रेटर देन V की। सो S इज ग्रेटर देन V के लिए अगर आप देखोगे S की
तरफ जैसे ही देखोगे तो जहां से इसका रिलेशन स्टार्ट हो रहा है वहां पे इसे कैसे दिखाया गया है, छोटा दिखा दिया गया है। जब इसे वहां पर ही छोटा दिखा दिया गया है तो फिर ये कभी भी जो है वो ग्रेटर देन नहीं हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे आप देखो इसकी जो वेरिएबल है वो भी अलग अलग है, तो इधर और का जो केस है वो भी नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, नेदर कंक्लूजन वन नॉर सेकेंड इज ट्रू। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, तो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू S के लिए यहाँ पे P है, यहाँ पे S है, दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, Q कर रहा है। तो यहाँ पे कैसे चलना चाहिए, जब P से ग्रेटर देन हम जितने भी पॉइंट मिलेंगे वो सारे ही दूसरे वाले वेरिएबल से ग्रेटर ही होने चाहिए या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ही होने चाहिए। तो आप देखोगे P जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है Q से, एंड Q जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है किससे, S से। तो यानी कि आपका फर्स्ट फॉलो हो जाएगा। सेकेंड की बात करते हो तो वी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, टी के। उसके बाद टी जो है वो ग्रेटर देन है क्यू के, और क्यू जो है वो ग्रेटर देन है किससे, आर से। तो आप देख सकते हो अगर यहाँ पे मैं इसे लिख के दिखाऊं तो वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, टी इज ग्रेटर देन क्यू, और क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो आप देख सकते हो वी जो है वो कैसा हो रहा है, यहाँ पे आर से ग्रेटर देन हो रहा है। तो यहाँ पे सेकंड जो है वो भी हमारा फॉलो होगा, आंसर आएगा बोथ कंक्लूजन वन एंड टू आर फॉलो। देन R इज ग्रेटर देन H, तो आप देख सकते हो R और H को कौन कनेक्ट कर रहा है, I। तो R जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है I से, और I जो है वो ग्रेटर देन है H से, सो फर्स्ट फॉलो। A इज ग्रेटर देन H, तो ये तो ऐसे ही कट हो जाएगा क्योंकि A जो है उसका रिलेशन स्टार्टिंग में ही कैसे दिखाया गया है, छोटा दिखाया गया है, तो इसलिए आपका सेकेंड फॉलो नहीं होगा, ओनली फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर। ओके, सो लास्ट में ये मैंने एज अ होमवर्क आप लोग लिए रखे हैं दो क्वेश्चन, मैंने एक ही स्लाइड में से दिखा दिया है, फर्स्ट यहाँ पर है और सेकंड यहाँ पर है। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिए, और अटेम्प्ट करने के बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, और इसका जो स्क्रीनशॉट है उसे लेके जो फेसबुक का ग्रुप है उस पर डाल दीजिएगा अगर आपको अपने आंसर को डिस्कस करना है तो। ओके, वहाँ पे आपको इसका करेक्ट आंसर जो है वो मिल जाएगा। इसी के संग हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं, और यहाँ पे जाके आप पूरी प्लेलिस्ट को व्यू कर सकते हैं ताकि आप लोगों को जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पजल, सिटिंग अरेंजमेंट एंड जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस आप कर सकें। यहाँ पे जाके जो डेली आपकी जो जीए की वीडियो पड़ रही है उसको जरूर फॉलो करें, आपके जो भी एग्जाम रिसेंटली होने वाले हैं उनसे रिलेटेड जो सारी जीए है वो सर कवर कर रहे हैं, एंड इससे रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट होता है उसको भी वो लगातार कवर करते जा रहे हैं। सो मॉर्निंग में मुश्किल से 15 से 16 मिनट की एक वीडियो होती है, उसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप इजीली ही अपने जो सारी न्यूज़ होती है उससे अपडेट रह पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।